तुमने आज जिससे पेपर साइन करवाए वो मुन्नी नहीं, प्रज्ञा थी। आई एम प्रज्ञा मेहरा, मिसेज अभिषेक प्रेम मेहरा। इस घर की बहू और तुम दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन। खैर, कैन टेक योर टाइम, जितना हैरान होना है तुम लोग हैरान हो सकते हो। तो अब जो तुम दोनों ने सपने देखे थे ना सारे, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के और उस प्लान को पूरा करने का, ये सारे इरादे अब भूल जाओ। क्योंकि अब तक क्या है, मैं पर्दे के पीछे छुप छुप कर इनका साथ दे रही थी, अब तो छुपने की कोई जरूरत ही नहीं। अब तो इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं इनकी मदद करूंगी। आलिया, मैंने तुमसे कहा था कि यही प्रज्ञा है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ये प्रज्ञा नहीं, ये मुन्नी ही है। और तुम खुद को प्रज्ञा समझती हो ना, मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा, इस घर की बहू, मेरे भाई की वाइफ। तुम नहीं हो ये सब, झूठी हो तुम, मक्कार हो तुम, हो मुन्नी जिसे मैं इस घर में लेकर आई थी, समझी तुम? और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बच्चे अभी भी हमारे कंट्रोल में, इसके बच्चों का फायदा उठाऊंगी ना मैं, तब इसे समझ में आएगा उनकी हालत खराब। कौन से बच्चे? अच्छा, मुन्नी के छुटका छुटकी, ओ उनके बारे में मैं भूल ही गई थी, बिकॉज रिलीफ हो गया था ना, क्योंकि उन बच्चों की सलामती के बारे में तुम मुझे क्या इंश्योर करोगे? वो बच्चे तो तुम लोगों को पता ही नहीं कहाँ, वो बच्चे तो वहाँ है ना जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपनी मुन्नी मासी के पास। कहानी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस कहानी का एंड वही होगा जो मैंने लिखा है। थिंग्स विल गो एज पर माई प्लान। और इस प्रज्ञा की तुम बात कर रही हो ना, उसे तनु ने खुद बेहोश किया था। क्यों तनु? राइट, प्रज्ञा को मैंने खुद बेहोश किया है। तुम हमें डरा के ये कोशिश मत करो कि हम मान लें कि तुम प्रज्ञा हो। और वैसे भी डरा के काम निकलवाना काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। थैंक गॉड तनु, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि प्रज्ञा नहीं मुन्नी है। Now, without wasting any more time, इसे ये चाबी ले लो ताकि हम फाइल लें और यहाँ से निकल जाएं। Right? चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। चाबी दो। थप्पड़ खाने के लायक है, खुद अपनी बात पर ही भरोसा नहीं है ऐसे। जो मुन्नी बनकर इस घर में रह रही है वो अभी की वाइफ प्रज्ञा है, वरना मुन्नी प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए इतना क्यों लड़ेगी? दरवाजे पर कान लगाकर सुनना। मैं किसी के दरवाजे पर कान लगाकर कुछ नहीं सुन रही थी। मुझे प्रज्ञा मैम ने बोला कि बाहर खड़ी रहो और किसी को अंदर बताने देना। प्रज्ञा ने तुम्हारा जॉब भी चेंज कर दिया, तुम्हें सेक्रेटरी से वॉचमैन बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। भाभी, मैं कोई वॉचमैन नहीं हूँ, मैम ने मुझे काम दिया और मैं अपना काम कर रही थी, कोई अंदर जाना अलाउड नहीं है। अंदर ऐसी क्या बातें चल रही है जो अंदर जाना अलाउड नहीं है? बाहर वालों के लिए मना किया होगा, घर वालों को नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। ये अंदर गई तो सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर गई तो प्रज्ञा मैम मुझसे नाराज, प्लीज नाराज हो जाएंगी। मैम होगी तुम्हारी, मेरी तो देवरानी है, तुम उससे नाराज नहीं हो सकती, समझे? मेरी बात ध्यान से सुनिए,
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, मुझे धमकी दे रही हो तुम? धमकी नहीं दे रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरी ड्यूटी है, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो तुम अपनी ड्यूटी निभाओ ना, मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ। और मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपको वही जूस पिला दूंगी, याद आया? और वैसे भी जब तक वो आएगी ये जूस खराब हो जाएगा, उससे अच्छा मैं ही पी लेती हूँ ना। नहीं, वो जूस नहीं। अब तुम ये मान रहे हो ना कि उस दिन तुमने ही मुझे जूस दिया था? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ही तो लेकर आई थी वो जूस आपके लिए, वापस लाऊं? नहीं, वो जूस पीने के बाद तो मुझे सब कुछ चार चार दिखाई दे रहा था, मुझे वो जूस भी नहीं चाहिए और मुझे कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं करना। बिना लगाम की, बिना दिमाग की घोड़ी हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है, पता नहीं अंदर मैंने क्या क्या मिस कर दिया। ये प्रज्ञा है अलिया, यही प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा नहीं है तनु, समझी? तो तुम एक काम करो, तुम उसको फोन लगाओ, तुम जिसके पास मुन्नी के बच्चे, एक बार उसको फोन लगाओ और जाकर उसके फोन उसके मुंह पर मारकर बताओ कि बच्चे हमारे कब्जे में है, उसके पास नहीं। हाँ। लगाओ तुम उसको फोन, लगाओ। हाँ हाँ, फोन लगाओ, फोन लगाओ, घंटी बजती रहेगी, लेकिन पिकी तो फोन उठाएगा नहीं ना। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम पिंकी है? नाम कैसे पता है ये मत सोचो तनु, तुम ये सोचो कि उसके साथ क्या किया, क्योंकि वो बेचारा पिंकी तो बंधा पड़ा है और वो सांस लेने के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। तनु तुम फोन लगाओ, इसने नाम कहीं से सुन लिया होगा, ब्लफ कर रही है ये। अच्छा ठीक है ना, एक और ब्लफ। तनु क्या जगह का नाम था वो? स्वप्नलोक का अनाथ आश्रम। तो वहां रखा था ना तुम लोगों ने बच्चों को, पिंकी के पास, लेकिन बच्चों ने तो पिंकी को बांध दिया और उन्हीं बच्चों ने पिंकी का फोन तोड़ के उस पे कूद कूद के डांस भी किया, इसलिए वो बेचारा पिंकी तो तुम लोगों को फोन करके भी नहीं बोल सकता ना कि बच्चे उसके पास है नहीं, बच्चे तो भाग गए। माय गॉड, से उस आश्रम का नाम भी पता है जहाँ पे बच्चे है? तनु तुम लोगों को मैं पूरी पिक्चर दिखा चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग पिक्चर का नाम अभी तक गैस ही नहीं कर पा रहे। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, एक ही वक्त पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सवाल है तुम्हारे दिमाग में, ये सब हुआ कैसे? तुम लोग तो मुन्नी को प्रज्ञा बना कर लाए थे, फिर ये प्रज्ञा मुन्नी कब बन गई? बच्चे कब वहां से भाग गए? मुन्नी के पास कैसे पहुंच गए? खैर, इन सारी बातों को हम आराम से डिस्कस करेंगे, पहले तुम लोग फिर पहली बात पर तो यकीन करो कि मैं ही प्रज्ञा हूँ। एक्सेप्ट इट, अब्सॉर्ब इट, इट इज द ट्रूथ। नो, लेट मी हेल्प यू। एक मिनट, पेपर्स देखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, मैं फाइल दिखाती हूँ तुम लोगों को। सिग्नेचर्स, ये देखो, प्रज्ञा मेहरा, प्रज्ञा मेहरा, डिट्टो, सेम सिग्नेचर्स ऑफ प्रज्ञा मेहरा। देखो, तुम लोगों के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तुम लोगों ने ये सिग्नेचर्स तो पहचान लिए, जो कि एग्जैक्टली प्रज्ञा मेहरा के ही सिग्नेचर्स हैं। अब भी तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो देन इट्स ट्रॉमा। मैं ये पेपर अंदर रख देती हूँ ना संभाल के लॉकर में।
और तुम लोग ना किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो, ड्रामा में ना बड़ी मदद होती है, और उनसे जाके डिस्कस करो कि तुम लोगों की प्रॉब्लम आखिर क्या है। आलिया की तो बोलती बंद हो गई, मतलब ये मान गई कि ये प्रज्ञा है। बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा। ये साइन दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम प्रज्ञा हो? बेवकूफ समझा है क्या हमें? हाँ, कल को तनु साइन कर देगी तो क्या वो प्रज्ञा हो गई? हम तुम्हें यहाँ पर प्रज्ञा बनाकर लेकर आए थे। तुम मुन्नी हो मुन्नी, ये साइन हमने तुम्हें करने सिखाए थे। बड़ी आई प्रज्ञा बनने वाली, सिग्नेचर है, कोई डीएनए की रिपोर्ट नहीं जिसे कोई क्वेश्चन ना कर सके। सो डोंट यू ट्राई टू फूल अस। और अगर एक मिनट को मैं मान भी लूं कि तुम प्रज्ञा हो, तो क्या तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगी, माय सो कॉल्ड प्रज्ञा मेहरा? इतने दिन तक चुप क्यों थी? सबको तुमने सच क्यों नहीं बताया कि तुम प्रज्ञा हो? वो सब लोग जो इस घर में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रज्ञा के घर में वापस आने का, जो हर रोज आस लगाए बैठे थे कि एक दिन प्रज्ञा आएगी, उनको क्यों नहीं बताया कि तुम मुन्नी नहीं, तुम प्रज्ञा हो? उनके सामने क्यों ये गवार मुन्नी बन के घूम रही थी तुम? हाँ, भाई को क्यों नहीं बताया? और वेट अ सेकंड, तुम तो मेरे और तनु के बारे में सब कुछ जानती हो, हमारे सारे प्लान्स, हमारे इंटेंशंस, एवरीथिंग। तो तनु और मेरे बारे में सबको क्यों नहीं बताया? कम ऑन, टेल मी। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुमने सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम प्रज्ञा हो ही नहीं। ठीक है, तुम्हें जो बिलीव करना है तुम बिलीव कर सकती हो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और सच को तुम बदल नहीं सकती आलिया। अब अंदर क्या ड्रामा करती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है जो खुद को मुन्नी कहती रही, वो असल में प्रज्ञा है, और ये डेफिनेटली अच्छी खबर नहीं है। चलो जी, बहुत बड़ा काम हो गया जी, तो खुश हो ना आप? बहुत बहुत खुश इंदु, आज तो मन हल्का हो गया। इतना हल्का हो गया कि मैं बता ही नहीं सकती। बीजी, मन अगर इतना हल्का हो गया है ध्यान रखना कहीं उड़न ही ना लग जाए। उड़ जाने दे, आज मेरे मन का तो उड़ जाने दे बस। आज मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी अगर मेरे पास होता ना तो वो भी मैं दे देती अपनी प्रज्ञा को। ओए पम्मी, ओ पुत्र, तू क्यों मुंह लटका लिया है? ओ दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे शादी में किसी रिश्तेदार को शगन ना मिला। ना पुत्र ना, उदास नहीं होना, और मैं किसी ने उदास होने ही नहीं देना, क्योंकि तर मैं तेरे वास्ते ना एक सरप्राइज रखा हुआ है। सच्ची बीजी? आप सच कह रही है? हाँ। क्या रखा है बीजी, दिखाओ ना बीजी। इसमें क्या? रुक रुक, बीजी कितनी अच्छी, अरे दिखाओ ना। रुक रुक, दिखा दूँ? निकाल ना। चल ठीक है। पुत्र ध्यान नाल, ये जो जेवर है ना हमारे पुश्तैनी जेवर है, और ये जेवर मैंने तुझे क्यों दिए भला?
क्योंकि तू सबसे बड़ी बहू है ना मेरी, तेरा ही तो हक बनता है इन पर। आपको पता है बीदी, इस पे ना मेरा कब से मन था। ओए पम्मी, तेरा मन नहीं था, इस ज्वेली में तेरी नजर थी। बीजी अब बुरा मत मान, जाके बैठ जा। मजाक कर रही है। अरे मजाक कर रही हूँ, कभी विद्या कर। मिताली मतलब तूने मुंह लटका लिया क्यों? नहीं नहीं नहीं, उदास नहीं होना पुत्र, तेरे लिए भी मैंने सरप्राइज रखा हुआ। सच्ची? हाँ? मुझे पता था कि सबको इतनी सारी चीजें मिल रही है तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ तो होगा ही। क्या है बताइए ना। निकाल दे। चलो ठीक है। लुक। मम्मी जी को इतना बड़ा हार मिला है, उससे छोटा तो मुझे मिल ही जाएगा, वो भी मेरे लिए बहुत होगा। आहा। दीजिए ना दासी। दे दे। अब क्या हुआ? ओए पसंद नहीं आया? दादी ये कोई बात है भला? मम्मी जी को इतना बड़ा हार और मुझे छोटी सी अंगूठी पार्शियलिटी की आपने? ये कौन सी बात हुई? कोई गल नहीं पुत्र जी, वो क्या है ना, तू अपनी मम्मी का साइज देख, उस हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी तो साइड ले रहा हूँ मैं। ये गलत बात है, मतलब ये कोई बात हुई क्या? छोटा छोटा कहकर ये छोटी सी चीज मेरे हाथ में थमा दी। अरे छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हूँ, इस घर की बड़ी बहू, दो दो बच्चे हैं, बंडी और बबली, माँ हूँ उनकी। पर हर बार ऐसे ही करते सब मेरे साथ। ओ मिताली, तुझे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो दे दी हमने। बस हमेशा यही बातें बोल के मुझे बहला देते हो, मुझे नहीं सुननी आपकी बातें और मुझे नहीं निभानी जिम्मेदारियां, और यहाँ में बैठना भी नहीं, जा रही हूँ मैं। नाराज होगी बच्चा, मम्मी के बाद ये जेवर भी तो तेरा ही है। अलिया तुम वही गलती कर रही हो जो पहले कर रही थी। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि ये मुन्नी नहीं प्रज्ञा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब वो खुद बोल रही है कि वो प्रज्ञा है तो क्यों नहीं मान रही तुम? क्यों मानूं कि वो प्रज्ञा है? वो हमारा बनाया हुआ मोहरा है तनु, जिसे हम इस घर में लेकर आए थे, और वो तो अपना गेम प्लान चला रही है ना, इसलिए बार बार बोल रही कि वो प्रज्ञा, लेकिन तुम क्यों बोल रही हो कि वो प्रज्ञा है? क्योंकि वो साबित कर चुकी है कि वो प्रज्ञा है। बोलने से उसके कहने से कुछ साबित नहीं हो जाता, समझी? तो मैं कैसे मान लूं? अरे त्यार कैसे मानोगे कि वो प्रज्ञा है? नहीं मानना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये जरूरत है, क्योंकि अगर ये प्रज्ञा है तो हम इसे मुनि माने की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ नहीं रही हो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? एक काम करो, अगर ये मुन्नी है तो इसे सिर्फ वही बातें बताऊंगी जो हमने इसे बताई है, लेकिन अगर ये प्रज्ञा है तो इसे सारी बातें बताऊंगी। जब से ये शादी करके इस घर में आई है, इसके साथ हमने क्या क्या किया और इसने हमारे साथ क्या किया। तनु फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। अरे एक पल को मान भी लो कि ये प्रज्ञा है तो तुम मुझे बताओ, जिस लड़की की वजह से आज मेरा इतना बड़ा प्लान फ्लॉप हो रहा है, मैं उसे माफ कैसे कर दूं? नहीं तनु, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं रही, ना ही मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया आलिया। गलत तुमने मेरे साथ किया है आलिया, जिसके लिए हमेशा मैंने तुम्हें माफ किया।
कई बार तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, कई बार तुम्हारे भाई तक को नहीं बताया तुमसे गलती हुई है। यही सही मौका है, पूछ रहे से सारे सवाल अभी पता चल जाएगा कि ये मुनि है या प्रज्ञा। गलती? कौन सी गलती? कौन सी गलती के लिए माफ कर दिया तुमने मुझे? हाँ, तुम्हें याद ही नहीं। खैर, तुम्हारी इस गलती पे मुझे हैरानी नहीं हो रही। तुम जैसे लोग ना ऐसे ही करते, पहले गलती करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं और उसे फिर दोहराते। अले, तुम्हें वाकई याद नहीं कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है? तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरा और सुरेश का इतना घटिया MMS बनाया था ताकि मैं इस घर के लोगों और इनकी नजरों में गिर जाऊं?